दोस्तों, हर साल दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची सामने आती है और इस सूची से ये पता चलता है कि कौन सा देश ताकतवर देशों की इस सूची में कितने नंबर पर है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका हमेशा की तरह सूची में शीर्ष पर अपनी जगह कायम किए रहता है और 2024 में आई सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भी अमेरिका ही पहले नंबर पर मौजूद है और अमेरिका को छोड़कर बाकी के देशों में उथल पुथल होती रहती है। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से कई देश युद्ध में शामिल हैं और बता दें कि एक ओर जहां युद्ध में ये पता चलता है कि किस देश की ताकत कितनी है, वहीं लंबे समय तक युद्ध में बने रहने से देश की सैन्य ताकत पर एक गहरा और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ युद्ध में शामिल होने वाले देशों के हथियारों में भी कमी आती है और युद्ध के दौरान ऐसे देश कई सारे नए हथियार डेवलप भी नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में हमने तालिबान अफगानिस्तान, इसराइल हमास सहित रूस यूक्रेन के युद्ध को देखा। दरअसल रूस यूक्रेन का युद्ध अब भी जारी है और किसी को इस बात की जरा भी खबर नहीं कि इस युद्ध का नतीजा क्या होने वाला है। हालांकि इस युद्ध में जहां एक ओर यूक्रेन ने कुछ अन्य देशों की मदद से रूस के खिलाफ डटकर मुकाबला किया है, वहीं रूस में ये साबित किया है कि वो वाकई एक ताकतवर देश है। लेकिन दोस्तों, क्या युद्ध के दौरान रूस की ताकत में इजाफा हुआ है या रूस की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि 2024 में रूस कितना ताकतवर है और अगर आप ये नहीं जानते या इसका आकलन नहीं कर पा रहे हैं कि रूस की ताकत 2024 में कितनी है, तो फिर आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो में अंत तक बन रहे और हाँ, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि ऐसी ही वीडियोस चैनल पर अपलोड होते ही आपको आसानी से मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले दो वर्षों से रूस यूक्रेन युद्ध जारी है और इस युद्ध के कारण रशिया पर दुनिया भर के कई सैंक्शंस लगे हुए हैं और रूस साथ साथ यूक्रेन की इकोनॉमिक कंडीशन भी समय के साथ साथ काफी गिरती जा रही है। हालांकि रूस की गिरती इकोनॉमिक कंडीशन की रफ्तार उतनी नहीं है जितने की अमेरिका और उसके सहयोगी पश्चिमी देशों ने अनुमान लगाया था। दरअसल भारत, चीन और कई एशियाई व अफ्रीकन देशों के दम पर रूस ने दुनिया भर के सैंक्शंस को बाईपास करते हुए अपने इकोनॉमिक कंडीशन को संभाले रखा है। बता दें कि जंग के दौरान रूस यूक्रेन दोनों ही देशों के हजारों सोल्जर्स अपनी जान गंवा चुके हैं, साथ ही दोनों ही देशों के ज्यादातर हथियार भी तबाह हो चुके हैं। लेकिन एक ओर जहां यूक्रेन को पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त है, वहीं रशिया ने जंग के दौरान तबाह हुए अपने हथियारों को अपनी पुरानी सोवियत समय के रिजर्व में पड़ी हथियारों से रिप्लेस किया है। उन्हीं हथियारों में से रशिया ने कुछ हथियारों को अपग्रेड करते हुए उन्हें अपनी मिलिट्री में फिर से ऑपरेशनल कर लिया है। बता दें कि रशिया ने अपने डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को भी दिन रात अपनी फौज के लिए बंपर हथियारों की सप्लाई करने के काम में लगा रखा है और रशिया के इन तमाम कोशिशों के बूते ही दो साल से चल रहे युद्ध के बावजूद भी रशियन मिलिट्री की ओवरऑल फायर पावर में भी इजाफा देखने को मिला है। रशिया की मौजूदा ताकत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि 2024 में जारी हुए दुनिया के ताकतवर देशों की सूची में रशिया अभी भी नंबर 3 पर मौजूद है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में अनुमान के तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि मौजूदा युद्ध के हालातों से गुजर रहे रूस की सैन्य ताकत आने वाले कुछ समय में थोड़ी कमजोर पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, रूस के बारे में ये कहा जा रहा है कि 2030 तक ये एडवांस्ड मिलिट्री इक्विपमेंट कमी के कारण 5वें नंबर पर आ जाएगा और इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहे रूस को युद्ध के चलते नए और एडवांस्ड वेपन्स डेवलप करने का समय नहीं मिल रहा है। जबकि रूस के विषय में ये अनुमान भी लगाया जा रहा है कि अगले कुछ वर्षों बाद भी रूसी फोर्स दुनिया की 5 सबसे ताकतवर सेनाओं में शामिल रहेगी। दोस्तों, अनुमान चाहे जो भी हो, लेकिन ये तो सच है कि रूस की गिनती अभी भी ताकतवर देशों में की जाती है। रूस युद्ध में बने रहने और यूक्रेन पर हावी होने के लिए पैसों को पानी की तरह बहा रहा है। व्लादिमीर पुतिन का इरादा साफ है, वो किसी भी कीमत पर इस जंग में हारना नहीं चाहते हैं। दोस्तों, ये आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि ज्योग्राफिकल साइट से रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। ये एशिया और यूरोप दोनों ही महाद्वीपों में फैला हुआ है और इसकी करंट पॉपुलेशन भी लगभग 15 करोड़ के आसपास है। और इतनी बड़ी आबादी के साथ एक अच्छा खासा खर्च अगर रूस अपनी सैन्य ताकत को बरकरार रखने के लिए और युद्ध में यूक्रेन से डटकर लड़ने के लिए कर रहा है, वो भी तब जब दुनिया भर के कई सैंक्शंस उस पर लगे हुए हैं, तो फिर रूस को कम आंकना
रूस की ताकत को कमतर समझना किसी भी देश के लिए बेवकूफी के समान ही होगी। रूस का यूक्रेन के साथ युद्ध कब तक जारी रहने वाला है इसकी खबर तो किसी को नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि रूस इस युद्ध से पीछे नहीं हटने वाला है। वो आगे भी अपने डिफेंस पर 100 से 140 मिलियन डॉलर वैल्यू का खर्चा सालाना करने वाला है। दोस्तों, अगर बात करें रूस के फोर्सेस की, तो रूस के तीनों ही ब्रांच में फिलहाल 13 लाख के करीब एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड भी रूस ही रखता है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि रूस के पास 6000 परमाणु हथियार हैं, और ये आंकड़ा दुनिया में किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा है। और अगर मेन बैटल टैंक की बात करें तो वर्तमान समय में लगभग 13000 से ज्यादा यूनिट्स मेन बैटल टैंक की फिलहाल रशियन आर्मी ऑपरेट कर रही है, हालांकि इसमें से लगभग 10000 बैटल टैंक्स रिजर्व के बीच शामिल हैं। दोस्तों, इतने बैटल टैंक्स के अलावा रूस के पास 65 सबमरीन भी हैं, जो समुद्र में रहकर युद्ध का रुख मोड़ने का दमखम रखती है। दोस्तों, रूस के पास 13,20,000 मैन पावर है। इसके अतिरिक्त इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल और आर्म्ड पर्सनल करियर की 1.5 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स फिलहाल रशियन मिलिट्री ऑपरेट कर रही है। बात करें अगर रूस के हवाई ताकत की, तो दोस्तों रशियन मिलिट्री विभिन्न प्रकार के लगभग 4-5 सौ से भी ज्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट इस्तेमाल कर रही है। इनमें फाइटर और इंटरसेप्टर जैसे मल्टी रोल जेंट्स की 800 से ज्यादा यूनिट रशियन मिलिट्री के पास है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि रूस ने अपने पुराने फाइटर जेट्स को भी फिलहाल ऑपरेशनल कर लिया है, जिससे कि रूस की मिलिट्री फायर पावर में काफी इजाफा हुआ है। हालांकि अगर बात रूस के एयरक्राफ्ट करियर की करें, तो इस मामले में रसिया के पास एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि रसिया के पास 2 क्रूजर और 2 बैटल क्रूजर भी मौजूद हैं। इन सब के अलावा रशिया काफी सारे कॉम्बैट एंड सर्विलेंस ड्रोन्स भी ऑपरेट करता है। बता दें कि रशिया के पास कई चीनी व ईरानी ड्रोन्स हैं, और तो और रूस इन ड्रोन्स को लगातार खरीद भी रहा है, और यही वजह है कि 2 साल से युद्ध में शामिल रहने के बावजूद भी रशिया की ताकत पर यूक्रेन की तुलना में कोई खास प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। रशिया अब भी अपने दमखम के साथ दुनिया से तीतर बितर होने के बावजूद भी युद्ध में डटकर यूक्रेन से लड़ रहा है, और युद्ध में रूस की स्थिति से रूस को नापसंद करने वाले देशों को भी ये मैसेज मिल रहा है कि रूस को कतई कमतर नहीं आंका जा सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से अपने जाना कि रूस 2 साल से चल रहे युद्ध के बावजूद भी कितना दमखम रखता है। वैसे आपका क्या मानना है, क्या वाकई रूस अब भी पहले की तरह ही ताकतवर है, या फिर वो अपनी ताकत और आन बान शान को बनाए रखने के लिए जद्दोजहद कर रहा है? दोस्तों, आपके जो भी जवाब हो वो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।